फ्रेंड्स, आज हम क्रिएटिव नीता में देखेंगे प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करके रीयूज़ करके पौधे के लिए गमला कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक है प्लास्टिक की बॉटल, बड़ी साइज़ की, 2 लीटर की। तो ऐसी मैंने 3 बॉटल ली है क्योंकि मुझे 3 चाहिए। तो आज हम इसका इस्तेमाल करके हैंगिंग गार्डन के लिए, यानी हम पौधे को ऊपर लटका सकते हैं, ऐसा बनाएंगे उसका पौधे के लिए। तो सबसे पहले इस बोतल के ऊपर हमने पेन से इसको कट करने के लिए ऐसे मार्किंग कर लिया है। अब इसको यहाँ से हम ऊपर की तरफ लाइन बनाते जाएंगे, ढक्कन की तरफ, और ऐसे 2 लाइन बनाएंगे। ऐसे दोनों साइड हम लाइन बना देंगे पूरी, और इसको फिर कट करेंगे। इसको हम यहाँ से कट करते जाएंगे। ये पूरी लाइन यहाँ तक ऊपर तक कट करनी है। देखा दोस्तों, ये कट करने के बाद हमें ऐसे मिलेगा। इसको कट करने के बाद हमें ऐसा पीस मिलेगा। जो ये बाकी का कटा हुआ पीस है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके यूज़ में बाद में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, ये प्लास्टिक रीयूजेबल है। ये फ़ायदेकारक तो है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान करता है। ये ज़मीन में पिघलता नहीं है, तो इसका हम अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये अब कट होके तैयार है। इसका हम इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकते हैं, चाहे आप इसमें ऐसे टूथपेस्ट ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, बाथरूम में या ड्रेसिंग टेबल में, किसी भी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल आप बेंगल बॉक्स की तरह भी कर सकते हैं।